कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो शास्त्र में लिखा है कि आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, मतलब हमला अपन बारे में जाने के जरूरत है। और आज हम अपन कार्यक्रम में लेके आए हैं आत्मनिर्भर किसान। किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकत है, ये बात ला सार्थक करे जोंधरा गांव के जन्मे सम्माननीय श्री बजरंग लाल केडिया जी मन, जोन मन बिलासपुर जिला के भरारी गांव में बहुत बढ़िया बागवानी उद्यान की फसल लगा के आत्मनिर्भर किसान के जबर उदाहरण प्रस्तुत करे थे। लेवा उखरे जुबानी सुनत हन। फलों का राजा कहते ही नजरों के सामने आम का फल दिखने लगता है। भारतवर्ष में रंग बिरंगे रसीले फलों के बीच आम एक ऐसा फल है जो गांव हो या शहर, हर जगह बड़े ही चाव से खाया जाता है। देश के प्रायः सभी क्षेत्रों में आम की खेती की जाती है। उत्तम खुशबू, स्वाद, रंग और पौष्टिक गुणों के कारण ही विदेशों में भी इसकी मांग बहुत है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं जिन्होंने आम के फलों की खेती करके छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू और आम की मिठास चारों दिशा में फैला रहे हैं। बिलासपुर के बजरंग लाल केड़िया जी लगभग 28 सालों से आम की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने बंजर जमीन में रसीले आम की खेती करके मिसाल कायम की है। डॉक्टर जोड़ का लिखा हुआ एक आर्टिकल मिला जिसमें उन्होंने समझाया था कि यदि आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो उन दिनों के बारे में कल्पना करिए जब आप रिटायर हो जाएंगे। उसकी तैयारी अभी से करिए जब रिटायरमेंट होने के बाद आप क्या करेंगे, यह एक मूल प्रश्न है। मेरे दिमाग में कौंध गया कि इसके पहले के बहुत से लोग मेरे साथ ही रिटायर हुए हैं और एक दिन तो रिटायर मुझको भी होना है। उसी समय भगवान की दया से अचानक मेरी भेंट डॉक्टर रामलाल कश्यप से हुई। डॉक्टर रामलाल कश्यप मैंगो स्पेशलिस्ट हैं, मैंगो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने मेरे को बोला, सलाह दी कि केडिया जी, आप आम का बगीचा लगा लो। हम लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ का और स्पेशली बिलासपुर रायपुर जोन आम के लिए सर्वाधिक सही जगह है। हम मकर रेखा के नीचे हैं, भूमध्य रेखा के नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ ज़मीन भी इतनी अच्छी है और अच्छी ज़मीन की बहुत ज़रूरत नहीं है आम के लिए। चाहे मुरमी हो, चाहे पथर्रा हो, भाटा हो, टिकरा हो, भर्री हो, मेढ़न हो, कहीं पर भी आम की फसल लग सकती है। किसान भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ की आबोहवा खेती किसानी के लिए अनुकूल है। पेड़ पौधे, उपजाऊ मिट्टी, वातावरण, ये सब खेती किसानी के लिए उपयुक्त है। हर प्रकार के फल फूल फसल की छत्तीसगढ़ में खेती की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों से भी इस प्रकार की बातें आपने कई बार सुनी होगी कि छत्तीसगढ़ खेती किसानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। बजरंग केड़िया जी के आदर्श रामलाल कश्यप हमेशा ही उनका हौसला बढ़ाया करते थे और छत्तीसगढ़ की माटी की ताकत के बारे में बताते ही रहते थे कि विश्व स्तर तक भी यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेहतर आम की खेती की जा सकती है। हमारा आम अब बगीचे में ही 8-10 लाख रुपए का आम बिक जाता है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक यहाँ आते हैं। और एक जो सबसे बड़ी खासियत है बिलासपुर ज़िले की आम के बारे में कि यहाँ एक महीने फसल पहले आती है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। पहले जब गोभी आती है तो 60 रुपये किलो होती है और बाद में गोभी 9 रुपये किलो होती है, 10 रुपये किलो होती है। तो हमारा आम
पिछले साल बनारस गया था बनारसी लंगड़ा, और उसके पहले साल गोरखपुर गया था, क्योंकि एक महीना पहले आते हैं वहाँ बनारसी लंगड़े के खरीदार हैं, 180 रुपये किलो वहाँ उन दिनों बिक रहा था। अब तो बिलासपुर में भी दाम अच्छे हो गए हैं, यहाँ भी 100 और 120 रुपये बिक रहा है, पिछले साल तक वो 40-50 रुपये था। जिस तरह से केले के दाम 20 रुपये दर्जन से बढ़कर 50 रुपये किलो दर्जन हो गया है, लगभग आम की भी वही स्थिति है। सब मिला करके अभी जो करीब 70 टन आम बाहर से आते हैं पर डे प्रतिदिन 4 महीने, वो आम यदि कम हो जाए, यहाँ ज़्यादा बगीचे लग जाएंगे, 250 बगीचे की गुंजाइश है, यदि यहाँ बगीचे लग जाएंगे तो यहाँ खरीदार भी आएंगे और यहाँ का आम बाहर जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के उद्यानिकी विभाग एवं अपने आदर्श कश्यप जी की सहायता से बजरंग जी ने फलों की खेती शुरू की। किसान भाइयों, आम की खेती सुनने में भले ही आसान लगता हो, पर बजरंग जी ने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए। जमीन में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा हो, पानी निकासी की व्यवस्था, जैविक खाद, खेत के बाड़े या बाउंड्री बनाना, शुरुआत में अपनी कमाई का पूरा हिस्सा लगाने के बाद धीरे धीरे वे सफलता की ओर बढ़ने लगे थे। ये चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो पौधे 10 मीटर की दूरी में लगे हैं। बोले आम के लिए समतल जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खेत में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली 2x2 फुट गहरा, 2 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा एक गड्ढा खोदना है और उसमें अच्छी तरीके से खातू पानी माटी या थोड़ा सा दवाई डाल देंगे, उसके बाद आम आप ही आप बढ़ेगा, आप ही जड़ फैल जाएगा और आप ही फलने लग जाएगा। हाँ, बीच बीच में आप उसको देख रेख जरूर करना पड़ेगा और मौके पर उसकी कटिंग भी करनी पड़ेगी। आज इस बगीचे को 26-27 साल हो गए, पिछले 27 साल से ये फल दे रहा है। अभी इस साल 15 लाख रुपए में हमने ठेका दिया है, जबकि इसके पहले साल 20 लाख रुपए में दिया था। 15 लाख रुपए में ठेका देने का मतलब होता है कि कम से कम 27-28 लाख का आम बेचे हैं। ठेकेदार बेचेगा तब तो ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, चौकीदारी और जो दीगर खर्च है उसका 5-7 लाख रुपए उसका खर्चा भी होता है, और 4-5 लाख रुपए वो नहीं कमाएगा 3 महीने में परिवार सहित रह करके, तो कैसे हमारे पीछे घूमेगा। बजरंग केड़िया जी के आम के बागानों में विभिन्न प्रकार के आम हैं, दशहरी, लंगड़ा आम, अल्फासो, आम्रपाली, बॉम्बे ग्रीन जैसे तमाम प्रकार के आम के किस्म। पिछले 28 वर्षों से आम की खेती करने वाले बजरंग जी बड़े ही सहज स्वभाव वाले हैं। उनसे आसपास के लोग मार्गदर्शन लेने आते हैं और वे आत्मनिर्भरता की कहानी उत्साह पूर्वक सुनाते हुए अन्य लोगों की सहायता करते नजर आते हैं। आज रत्नागिरी या मलिहाबाद दशहरी का या बनारसी लंगड़ा ही उनकी पूंजी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है इन आम के कारण से। दुनिया भर से इन आमों को बिक्री का पैसा रत्नागिरी में जाता है। बिलासपुर उससे भी अच्छी जगह है यदि आम की फसल लगाई जाए। जब शिमला में सेब इकोनॉमी देखती है, आर्थिकी है मेन, और जब संतरा नागपुर का आता है तो आम की फसल बिलासपुर से ही जाएगी। अब एग्रीकल्चर अपने खुद के इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, औद्योगिक खेती है, जिसमें थोड़ा पैसा लगा करके आप बहुत आराम से बहुत बड़ी कमाई बहुत दिनों तक कर सकते हैं। आज पूरे कर्नाटक क्षेत्र में और ख़ास करके बेंगलोर और विशाखापट्टनम तक खाली हापुस आम का पैसा इतना ज़्यादा आता है कि वहाँ के लोग धनवान होते जा रहे हैं, फॉरेन जाता है और आम वहाँ कोई भी आम 100 रुपए से कम में नहीं बिकता, 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए 12 आम मिलते हैं। तो आपके यहाँ का आम उससे भी स्वाद है।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। खेती मांगे मेहनत और मेहनत करैया किसान। किसान के उम्र देखने जाए, बुढ़वा हो जाते, वृद्धा हो जाते, तब वो जीवा किसानी के बूता में लग रहते। आज 84 बछर के उम्र होए के बाद भी श्री बजरंग लाल केडिया जी मन आनी बानी के बगीचा लगा के आत्मनिर्भर बने हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण मन प्रस्तुत करते हैं। अभी अपने हमारे बगीचे में 1450 पेड़ बड़े और 550 पेड़ छोटे हैं, मतलब 2100 पेड़ हैं। इसके सिवाय भी 8000 पेड़ का जोन है ऑक्सीजोन। ऑक्सीजोन में 500 पेड़ से नीम है, 500-600 पेड़ बांस है, 500-600 पेड़ सागौन है, 2-3 हज़ार पेड़ नीलगिरी है, बेर है, जामुन है, सीताफल है, अमरूद है 400-500 पेड़, चीकू है 10-12 पेड़, कटहल है। सब मिला करके यहाँ आ जाने के बाद ऑक्सीजन इतना अच्छा मिलता है कि बीमार होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अभी ड्रैगन फ्रूट एक बहुत अच्छा पौधा है जो फॉरेन से आता है, अभी हिंदुस्तान में बहुत आयात से हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट एक फल 40 रुपये में बिकता है, और वैसे किलो में शायद 150 रुपये किलो है। उसके सिवाय मुनगा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्रैगन फ्रूट को लगाने में 300 रुपये एक पेड़ का खर्च है, भैया 4 पेड़ का खर्च 400 रुपये ऐसा कहना चाहिए, पर उसमें भी खर्च नहीं होता। मुनगा में कोई खर्च नहीं है, बिही लगाने में कोई खर्च नहीं है, वो आप से आप बड़ा होकर के आपको फल देने लग जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो सकती है। 1800 से भी अधिक आम के पौधे रोपित कर 1200 पेड़ों से फलों की तुड़ाई करने वाले बजरंग जी मुनाफे के मालिक हैं। सफलतापूर्वक आम की खेती करने वाले बजरंग जी आम की खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन, नर्सरी, उत्तम किस्म के चयन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। किसान भाइयों, हम विभिन्न राज्यों को फलों के नाम से ही पहचान जाते हैं, या फल से राज्य के नाम को। उदाहरण के लिए धान का कटोरा कहे जाने से
निश्चित ही हमारे मन में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम उभरता है। वैसे ही ऑरेंज सिटी कहने मात्र से नागपुर की कल्पना हम करने लगते हैं। ठीक वैसे ही मैंगो सिटी कहते ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ का नाम आए, ऐसा ध्येय बजरंग जी का है। कोई पर्यावरण के उद्देश्य से आम क्यों लगाएगा, वो भी ये पीपल लगाएगा, नीम लगाएगा, बड़ लगाएगा, गस्ती लगाएगा। आम के फल लगाने से क्या होता है कि आम में सब गुण हैं। आम सदाबहार पौधा है, इसमें कभी पतझड़ नहीं आता। इससे कुबेर देव प्रसन्न, ये सब बातें मेरे को डॉक्टर कश्यप ने बताई है, रामलाल जी ने। इससे कुबेर देव प्रसन्न होते हैं, इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, इससे वरुण देवता प्रसन्न होते हैं। आम की लकड़ी यज्ञ में काम आती है, आम के पत्तों का तोरण बनता है, कलश बनता है। इतने सब धार्मिक रूप से आम को बहुत मान्यता प्राप्त है, इनमें इसकी बढ़त होते रहती है। आप थोड़ी सी देख रेख करो, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आम लगाने से बहुत फायदा है। बेहतर किस्म और उत्तम गुणवत्ता का आम छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और सबसे आकर्षक बात यह है कि छत्तीसगढ़ का आम अन्य राज्यों में निर्यात होता है। और सबसे खास बात यह है कि अन्य राज्यों के बाजारों से पहले ही छत्तीसगढ़ के बाजारों में पहले आम पहुंच जाता है। सैकड़ों एकड़ की जमीन में विभिन्न प्रकार के आमों की खेती करने वाले बजरंग केड़िया जी को लाखों रुपए का आर्थिक लाभ होता है। आम के फसल के साथ जो अगल बगल की जमीनें हैं, छोटी सी बची हुई कहीं पर भी, वहाँ आप आराम से बीही लगा सकते हैं, मुनगा लगा सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए ये तीन चार चीज़ें, बीही, मुनगा, कटहल, बोयर, जामुन, सीताफल, ये सब आपको आत्मनिर्भर बनने में सहायक रहेगी। और साल भर नींबू, साल भर आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। ये पूरा जिस तरह से मैं अपने बगीचे में आकर के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, अपने दोस्तों को दिखा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह बात आपके साथ भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि मेरे से भी बड़े बड़े बगीचे बनाए हुए हैं। यहाँ रायगढ़ में मेरे से बहुत बड़ा बगीचा है, 150 एकड़ में। बिलासपुर में 76 एकड़ के एक बगीचा है, कोरबा में भी है, आप भी बनाइए। यहाँ एक और खासियत है बिलासपुर में, यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरे इंडिया में 8 जगह मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें से एक बिलासपुर में है। और यहाँ के जितने वैज्ञानिक हैं, वो लोग आपकी हर सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बजरंग जी से प्रभावित होकर सैकड़ों एकड़ में आम के बागान बना रहे हैं। चापा के नज़दीक स्वर्गीय डॉक्टर रामलाल कश्यप जी एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जिनकी बातों को अपनाकर, दिमाग में रखकर बजरंग केड़िया जी ने अपने जीवन को सफलता की उस ऊंचाई तक ले गए जहां पहुंचना आज हर एक किसान का स्वप्न है। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला दो फल है, एक है केला और एक है आम। चाहे कितना ही सस्ता हो जाए, चाहे कितना ही महंगा हो जाए, चाहे जितनी अच्छी पैदाइश हो जाए, सब बिक जाएगा। आम और केला कुछ भी भाव हो, पूरे भारत में, चाहे उड़ीसा हो, आसाम हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, उसका उपयोग होगा ही। और 12 महीना पैदा होता है, 12 महीने पैदा हो सकता है, और इसकी बिक्री में कहीं कोई रुकावट नहीं है। एक बढ़िया बात यह हुई है कि अब फॉरेन जा रहा है, पहले मुश्किल से 700-800 टन आम फॉरेन जाता था, विदेश जाता था। अभी जब से यूरोपियन यूनियन ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हिंदुस्तान का आम बहुत अच्छा होता है, तब से वो करीब करीब 12,000 टन आम यूरोप और यूएई, यूनाइटेड अरब अमेरिका में जाता है, और दूसरे देशों में भी जाता है, यूएस जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। इसका भविष्य हमेशा उज्ज्वल है और बढ़ता रहेगा। बहुत ही पौष्टिक फल है आम। बजरंग केड़िया जी जैसे आत्मनिर्भर किसान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान है, जो इतने उम्रदराज होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और
खेत की तैयारी के लिए समय दिया। खेतों की सिंचाई हो, उर्वरक की मात्रा हो, पेड़ पौधों का रोपण और सही समय में इन तमाम जानकारियों को निकालकर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया और बन गए आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। छत्तीसगढ़ महतारी की भारत माता सबके माता भारत देश महान है। भारत माता सबके माता भारत देश महान है। भारत माता की श्री चरणों में सौ सौ बार प्रणाम है। मोरे भारत के झंडा लहरे लहरे लहराए लहराए मोर भारत के झंडा लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए मोर भारत के झंडा लहर लहर लहराए लहर लहर के झंडा लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए मोर भारत के झंडा लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए लहर लहर लहराए हाँ, तो किसान भाई हो, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आत्मनिर्भर किसान श्री बजरंग लाल केड़िया जिमन बिलासपुर के रहिया किसान है, भरारी में कौन ढंग ले इमन बागवानी फसल लगा के आत्मनिर्भर बनीच उखर अनुभव ला आप ला दिखाएं। अगले अंक में नवा विषय लेके फिर आप मन के बीच आवो। तब तक बर दोबिदा, जय जोहार, राम राम।